यही कि इंसान का पीछा माजी कब छोड़ता है। अरे बेटा, माजी कहाँ पीछा छोड़ता है, उसे तो पीछा छुड़वाना पड़ता है, भूलकर या आगे बढ़कर। लेकिन जब तक माजी की बातें कानों में गूंजती रहेंगी, उससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं ताने बनकर लोगों की बातें माजी का सामना करवा ही देती। अरे बेटा, लोगों की तो आदत है बकवास करते रहना। क्या दफ्तर में फिर किसी ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? मानूर ने कोई बात? नहीं अम्मी, मानूर ने तो कभी मुझसे इस हवाले में कोई बात ही नहीं की। वो तो जख्मों को कुरेदने वालों में से नहीं बल्कि मरहम रखने वालों में से। मेरे माजी में क्या हुआ है, इससे मानूर को कोई हर्ज नहीं है। बेटा, तुमने भी तो उसके लिए बहुत बड़ा दिल किया है, कोई आसान बात नहीं है बीवी के हजारों किस्से सुनकर उनको नजरअंदाज करना। हमी, मैं मानूर के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। आप भी ऐसी कोई बात ना किया करें मानूर के बारे में, वरना आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जो मुझे ताने देकर शर्मिंदा करते हैं। चाय बना दो। नहीं मैम, ठीक हूँ।